प्रयागराज के धरनास्थल सिविल लाइंस में आज प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के नेतृत्व सैकड़ो कामकर्ताओं के साथ एक पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, जिसपे वरुण गांधी और राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है, जिस पर स्लोगन लिखा हुआ है कि दोनों भाइयों को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीतकर देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम होगा। देश का विकास दोनों भाइयों के साथ, छोड़ो कमल का साथ, थामो हाथ का साथ। प्रदर्शन में मुख्य रूप से रवि सोनकर गोलू, प्रशांत पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड, विमल कुमार, सीतेंद्र मिश्रा, मोहम्मद फैसल, सुमित सोनकर, प्रदीप कुमार आदि लोग शामिल हुए। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो यह जाहिर करना चाहते हैं कि देश को हमेशा आजाद गांधी परिवार ने कराया और देश को दूसरी आज़ादी दिलाने के लिए गांधी परिवारों का मतभेद नहीं होना चाहिए। गांधी परिवार में वरुण गांधी को कांग्रेस का आके इंडिया के नाम के अंदर में समर्थन देकर देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई करना चाहिए, ताकि बेरोजगारी, किसान मौत और दुनिया भर के हर स्तर पर जितनी बुराइयां बीजेपी ने पैदा कर दी है, सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने बनाया, वो बीजेपी सरकार बेचने का काम कर रही है। इसलिए वरुण गांधी जी का जो है राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और देश की दूसरी आज़ादी में भाग लेना बहुत आवश्यक है। मैं दीपू सोनकर, एडवोकेट आई हूँ। बीजेपी एवं आरएसएस की राजनीति की विचारधारा वरुण जी के अंदर है। मैं उनको यह कहना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी से कि आज बीजेपी का सांसद रहते हुए भी आज वरुण जी ने जिस तरीके से देश के बेरोजगार युवाओं की मांग, हाँ देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, हाँ देश में बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जिस तरीके से हमारे देश की जनता की आवाज़ बनकर एक सही पटल पर उठा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि वरुण गांधी जी ना कि सावरकर, ना कि आरएसएस, ना कि विश्व हिंदू परिषद जैसे जहर और उन्मादी राजनीति करने वालों की विचारधारा से मिलती है, बल्कि जिस तरीके से हमारे श्रद्धेय संजय गांधी जी व उनके परिजनों, गांधी परिवार के पूर्वजों की तरह उनकी विचारधारा एक गांधी विचारधारा की तरह कैसे मिलती है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि ये दोनों भाई आपस में एक साथ आकर के देश को एक स्वर्णिम काल की दिशा में ले जाए। मैं रवि सोनकर गोलू, एडवोकेट हाई कोर्ट।